अगर आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल नहीं है, आपका शोहर आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं मानता, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, आप चाहते हैं कि वो सही हो जाए, या आपका महबूब आपकी बात नहीं मानता, बात बात पे ब्लॉक कर देता है, झगड़ा करता है, तो बस ये एक काम कर लें, आपका शोहर आपकी हर बात मानने लगेगा, आपका महबूब आपके बगैर रह नहीं पाएगा। वो काम कौन सा है, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और शेयर जरूर करना है। आपके एक शेयर से बहुत सारी बहनों का भला हो सकता है। वो अमल बताने से पहले मैं ये बताता चलूं, मेरी वो बहनें जिन्होंने खुसूसी दुआओं में अपने नाम दर्ज करवाए हैं YouTube पर कमेंट करके मुझे दुआओं के लिए कहा है। सबसे पहले सायका बहन है, आयशा बहन है, कनीज फातिमा बहन है और रईस भाई हैं। मैं दुआ करता हूँ इन्होंने जिस जिस मुराद के लिए कहा है अल्लाह पाक इनकी मुराद पूरी फरमाए, आमीन। आप सब भी आमीन कह दीजिए। आप इस वीडियो को देखने वाले हजारों में लाखों में हैं, आपका एक आमीन इनकी जिंदगियां बदल सकता है। और आप भी खुसूसी दुआओं में अपना नाम एक बार दर्ज करवा के देखें, आपका नाम लेकर दुआ की जाएगी, इंशाल्लाह आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। खुसूसी दुआओं में अपना नाम दर्ज करवाने का बिल्कुल आसान तरीका है, मेरे टिकटॉक के साथ मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नाम लिखें, अपना मकसद लिखें, इंशाल्लाह आपको जवाब भी दिया जाएगा, आपका नाम खुसूसी दुआओं में दर्ज भी कर लिया जाएगा। अब आते हैं वजीफे की तरफ। देखें, आपने नमाज असर पढ़ने के बाद सूरह कुरैश, कुरान पाक के 30वें पारे की ये छोटी सी सूरत है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इसको आपने 10 बार पढ़ना है और किसी चीज पर दम करके अपने शोहर को खिला देनी है। अगर आपका शोहर आपके पास नहीं है या आपका महबूब आपके पास नहीं है तो उसकी पिक्चर पर आपने दम कर देना है, इंशाल्लाह आप दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपका शोहर गुस्सा कम कर देगा, इंशाल्लाह आपकी हर बात मानने लगेगा।